हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त बढ़िया होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सैड भी है, अपसेट भी है, बट एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, मतलब सीख भी मिला है मुझे। तो जो लोग मुझसे इतने टाइम से जुड़े हैं और अभी अभी भी जुड़े हैं, तो आप लोग ने देखा रहेगा कि रिसेंटली मेरा एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो अचानक से डिलीट हो गया था। और मुझे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ रहे थे, स्पेशली मेरी एक दो बहन है उनके भी आ रहे थे कि ये वीडियो मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइस, हुआ ये कि वो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल था कि मैं मूवी देखने गई थी विथ माय कजिन्स, जो है गुजराती मूवी बच्चू भाई। और मुझे लगा कि चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि वो, ऑफकोर्स जो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसा मूवी है, क्या रिव्यू है, ये सब मैं दे रही थी। तो मूवी का मैंने थोड़ा सा पार्ट शूट किया, मतलब इंट्रो शूट किया, और उसके बाद जो आता है बच्चू भाई जो टाइटल वो लिया, फिर डायरेक्टली इंटरवल, और फिर सीधा बाहर निकल गई थी थिएटर के, और फिर मतलब फिर उसके बाद का वीडियो लिया है। तो मैंने इतना कुछ शो भी नहीं किया था, बट समवेयर ये हुआ कि ये व्लॉग शायद से उनको भी पहुंचा जो लोग कॉपी राइटर्स है। तो ये मूवी के जो कॉपी राइटर्स है वो लोग ने मुझ पे काउंटर स्ट्राइक करवाया। काउंटर स्ट्राइक ये होता है, ये मैं कहीं पे यहाँ पे डाल दूंगी स्क्रीनशॉट। तो काउंटर स्ट्राइक वो होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो 90 डेज तक रहता है, ठीक है? तो मेरा भी अभी जो काउंटर स्ट्राइक मुझे लगा है इस पे, वो इसलिए लगा है क्योंकि जो मूवी के जो कॉपी राइटर्स है वो लोग को लगा कि मैंने उनका कॉपीराइट छीन लिया या फिर मैंने वो लीक किया, तो उसके वजह से उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक डलवाया। तो स्ट्राइक ये होता है कि यूट्यूब को, जो कॉपीराइट वाले हैं वो लोग यूट्यूब को मेरा वीडियो या फिर कोई लीगल प्रूफ के साथ उनको भेजते हैं, तभी ही यूट्यूब देखता है, जांचता है, और फिर अगर उनको लगे कि ये सही है क्लेम, तो वो लोग सीधा काउंटर स्ट्राइक करते हैं, यानी कि यूट्यूब डायरेक्टली आपका वीडियो डिलीट कर देगा। तो यही मेरे साथ हुआ कि यूट्यूब ने मेरा वीडियो पूरा डिलीट कर दिया, और मुझे इमिडिएटली थोड़े टाइम के बाद आया कि काउंटर स्ट्राइक लगा है आपको इसके लिए। और उसमें कुछ ऑप्शंस भी थे कि अगर आपको इससे बचना है तो उसका कोई तरीका नहीं है, बस उतना है कि आपको 90 डेज तक वेट करना है, और आप प्रे करो, मतलब कि प्रे तो नहीं बट आप ट्राई करो कि कोई और स्ट्राइक नहीं लगे, ऐसी कोई स्ट्राइक, क्योंकि जब 3 स्ट्राइक लगती है ऐसी तो आपका चैनल ही यूट्यूब हटा देता है फ्रॉम यूट्यूब, मतलब आपका जो चैनल है वो डिलीट हो जाएगा फॉर एवर। तो ये सब जब हुआ तो मैं भी थोड़ी हिल गई थी, क्योंकि जब हम इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ आए, और मैंने तो ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट हो गया है तो ठीक है। मैं बहुत रो ली हूँ, तो अभी मुझे आप लोग के सामने वापस वीक नहीं होना है, बस मैं उम्मीद दे रही हूँ खुद को भी कि ठीक है, हो गया, अभी आगे से मैं ऐसी कोई गलती भी नहीं करूँगी। और इसका ये एक ही चीज़ है कि मुझे 90 डेज तक वेट करना है, तो मेरा काउंटर स्ट्राइक जो है वो 29 अक्टूबर को ख़त्म होगा, तो तब तक ये मेरा एक स्ट्राइक दिखेगा ही मेरे चैनल पे। तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है चैनल के लिए भी और मेरे पर्सनली खुद के लिए भी, कि थोड़े हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कि लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये वो। और हाँ, तो बस यही मुझे आप लोग को बताना था कि ऐसा मेरे साथ हुआ है और काउंटर स्ट्राइक लगा है ऑन दिस बच्चू भाई मूवी। तो उसके जो भी स्क्रीनशॉट्स है मैं बीच बीच में डाल दूंगी, ताकि आप लोग को भी समझेगा कि ये क्या है। और बस, तो हाँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रो लिया है तो अभी मुझे रोना आ रहा है, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी स्ट्रांग नहीं हुई तो फिर मैं और वीक हो जाऊंगी, और फिर मैं सोचती रहूंगी, क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट रहती है ओवर थिंक करना कि मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया। तो मैं वो उन लोगों में से आती हूँ। तो हाँ ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, और आगे से और एंटरटेन वीडियो आएंगे आप लोग के लिए, और मैं भी ध्यान रखूंगी कि मैं आगे से ऐसी कोई गलती ना करूँ, ताकि ऐसा कुछ ना हो इन फ्यूचर। तब तक के लिए आपका ध्यान रखें, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखें,
बाय गाइस।